रहीम डिस्कस कर रहे हैं प्रमोटेशन, और पहले हम प्रमोटेशन की डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके प्रोडक्ट या कंपोजिशन पे बात करते हैं कि एक प्रमोटेशन है हमारे पास अल्फा, और अल्फा प्रमोटेशन इस तरह से है 1 2 3 4, यानी जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो ए सेट पे कर रहे हैं। ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और इसमें जो प्रमोटेशन है 2 3 1 4, और एक बीटा प्रमोटेशन लिख लेते हैं वो भी ए पर ही है 1 2 3 4 3 2 4 1, कुछ इस तरह से प्रमोटेशन है। हमें मालूम करना है इनका कंपोजिशन, अल्फा कंपोजिशन बीटा, या हम ये कह सकते हैं अल्फा ऑफ बीटा ऑफ एक्स, इस तरह से है। लेकिन हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि हमारे पास एक सेट ए है, तो उसके ऊपर पहले प्रमोटेशन अल्फा बीटा हो रही है, अल्फा अप्लाई हो रही है, और उसके बाद प्रमोटेशन जो है वो बीटा अप्लाई हो रही है। इनके अंदर ए के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। तो अल्फा कंपोजिशन बीटा हमें फाइंड करना है 1 2 3 4। अब यहां पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, मतलब क्या हम कौन से प्रमोटेशन मालूम करना चाहते हैं। ये प्रमोटेशन है यानी ए से इस सेट तक ये प्रमोटेशन है हमारे पास अल्फा कंपोजिशन बीटा, ये कंपोजिशन है, ये हमारे पास प्रमोटेशन हमने फाइंड करनी है। तो हम देख रहे हैं कि पहले वन इस प्रमोटेशन में अल्फा, अल्फा प्रमोटेशन किस तरह से अप्लाई हो रही है, अल्फा जो वन है वो किस पे मैप कर रहा है, टू पर, ये आ गया। उसके बाद जो टू है वो किस पे मैप कर रहा है, थ्री पर, इसी तरह से थ्री किस पे मैप कर रहा है, वन पर, और फोर किस पे मैप कर रहा है, फोर पर। अब बीटा प्रमोटेशन, ये बीटा प्रमोटेशन है वो किस पे अप्लाई हो रही है, 1 2 3 4 पे, ये रहे वो 1 2 3 4, और इसमें जो हमारा मैप कर रहा है जिस पे जो उसके इमेज आ रहे हैं या जो उसके आंसर आ रहे हैं वो लिखे हुए हैं। तो अब इसकी भी हम मैपिंग कर लेते हैं 1 से 3, और उसके बाद 2 से 2, और 3 से 4, और उसके बाद 4 से 1। तो अब जरा इसके ऊपर देखें कि ये जो वन था अल्फा कंपोजिशन बीटा में, ये वन कहां पे जाके मिला। तो इसके लिए देखते हैं कि ये वन कहां पे जाके मिलता है, ये वाला जो वन है, तो ये वन, वन से गया टू, और फिर टू से फिर टू पर है। तो इसका मतलब है कि वन जो है वो कहां पे जाके मैप किया है, टू पर। इसी तरह से टू थ्री पर, और थ्री कहां पे जा रहा है, आगे फोर पे जा रहा है। इसी तरह से थ्री वन पर है, और वन कहां पे है, थ्री पर है, आंसर थ्री आएगा। इस तरह से फोर फोर पे है, और फोर आगे कहां जा रहा है, वन पे जा रहा है। तो ये है इसका प्रोडक्ट। लेकिन अभी हम इसको जरा आसान तरीके से भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो यानी इसके बगैर हम इसको देखेंगे कि ये क्या आंसर आता है इसका, वो बहुत ईजी है। डायरेक्टली लिख लेंगे अल्फा कंपोजिशन बीटा इज इक्वल टू, और यहां पे वही 1 2 3 4, अच्छा 1 से 2, और फिर दूसरे में देखें कि 2 कहां पे जा रहा है, 2 से 2, इसका मतलब 1 से 2 और 2 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 2 से 3 और 3 से 4, इसका मतलब 2 कहां पे जाके मिला है, 4 पर, 3 से 1 और 1 से 3, तो 3 कहां पे जाके मिला है, 3 से, 4 से 4 और फिर 4 से 1, इट मीन्स के 4 कहां पे जाके मैप किया है, 1 पे। तो हम ये सारी पिक्चर बनाने के बगैर, ये डायग्राम बनाने के बगैर भी हम इसकी जो कंपोजिशन है वो कर सकते हैं, ठीक। यहां पे तो पूरा मकसद था समझाने का कि कैसे इसका जो कंपोजिशन है वो बनती है, पहला एलिमेंट कहां पे मिल रहा है, और ये अल्फा की रेंज है और बीटा की ये डोमेन है, ये बीटा की डोमेन है, अल्फा की रेंज है। तो इसका मतलब यही है कि अल्फा किस पे अप्लाई हो रहा है, बीटा पर। ये है हमारे पास कंपोजिशन। और अब बात करेंगे सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो S3 पर हो या SN पर हो, उस ग्रुप को हम कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। अब SN क्या चीज है, मैं पहले इसको S3 फाइंड करता हूं। S3 एक सेट है हमारे पास A या X, 1 2 3, उसके अंदर 3 एलिमेंट है। अब इन 3 एलिमेंट के ऊपर कितनी परमोटेशन बनाई जा सकती हैं,
अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू n, तो इस सेट के ऊपर n फैक्टोरियल परमोटेशंस बनाई जा सकती हैं, n फैक्टोरियल परमोटेशंस। तो अब यहां पर कितने एलिमेंट है इसमें, 3, तो इसमें नंबर ऑफ परमोटेशंस क्या आएगा, नंबर ऑफ परमोटेशंस विल बी 3 फैक्टोरियल, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल आएगा। लेकिन ये परमोटेशंस बनेगी किस तरह से, इसके लिए हम वही लिख लेंगे। एक पहली परमोटेशन आई आइडेंटिटी होगी किस तरह से, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, यानी 1, 1 पे मैप करे, 2, 2 पे करे और 3 जो है वो 3 पे मैप करे। अच्छा, इसके बाद हम एक परमोटेशन बना लेते हैं अल्फा 1, 2, 3, ये यहीं पे आना। मैं सारी पहले परमोटेशन देख लूं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 और अल्फा 5, 5 ये होगी और एक ये आइडेंटिटी 6 होगी। 1, 2, 3 यहां पे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 यहां भी, 1, 2, 3 और ये 1, 2, 3। अब इसमें हमने सेम एलिमेंट्स रखे हैं, पहले नंबर पे क्या है, 1 है। हम ऐसा करें, 1 को फिक्स रहने दें, इन दो को इंटरचेंज कर दें, क्या बन गया, 3, 2। अच्छा, फिर 2 को यहां पे फिक्स कर दें, बाकी कौन से एलिमेंट बचे, 1, 3, 2, 3, 1। पहले 2 अब यहां पे हमने फिक्स कर दिया, 1, 3 और फिर यहां पे कितना आ गया, 3, 1। अब 3 को फिक्स करेंगे, 2, 1 और 3, 1, 2। इस तरह से ये हमारे पास 6 परमोटेशन जो है वो इसकी बन चुकी है, जिसमें पहली परमोटेशन जो है वो आइडेंटिटी है। लेकिन एक और मेथड है इस तमाम परमोटेशंस को फाइंड करने का, कि पहले हम कोई से आइडेंटिटी के अलावा कोई से हम परमोटेशंस लिख लें। मैं यहां पे लिख लेता हूं, आइडेंटिटी तो आ गई ना, उसके बाद मैं एक परमोटेशंस को नाम देता हूं अल्फा का 1, 2, 3 और एक परमोटेशन को नाम देता हूं मैं बीटा का 1, 2, 3। तो यहां पे आ गया हमारे पास 2, 1, 3 फॉर एग्जांपल, और यहां पे आ गया 1, 3 और 2। ये दो डिफरेंट परमोटेशंस जो है वो हमारे पास बन गए। अब क्या करेंगे, अब इन्हीं को प्रोडक्ट करें, यानी अल्फा स्केयर कर लें एक और परमोटेशन आ जाएगी, अल्फा स्केयर बीटा कर लें एक और आ जाएगी, बीटा स्केयर कर लें, अल्फा स्केयर कर लें, इस तरह से इनको मिला के भी हम नई जो परमोटेशंस हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये ग्रुप है, S3 जो है क्या ये ग्रुप बनाता है। ग्रुप के लिए हमें वही 4 प्रॉपर्टीज चाहिए, क्लोज, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो S3 का जो सेट है उसमें हमारे पास आइडेंटिटी तो मौजूद है, इसके बाद ये इसकी एसोसिएटिविटी चेक कर लेंगे। एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा 1 कंपोजिशन ऑफ अल्फा 2 कंपोजिशन अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा 1 कंपोजिशन अल्फा 2 एंड इट्स कंपोजिशन विद अल्फा 3। तो हम इस तरह से काम करेंगे, इनकी परमोटेशन को चेक करेंगे, एसोसिएटिविटी इसके ऊपर होल्ड होती है। अच्छा, इससे पहले हमने क्लोज भी चेक करना है, तो क्लोज चेक करने के लिए हम कोई से दो परमोटेशंस को मल्टीप्लाई कर लें, चेक कर लेते हैं जस्ट एग्जांपल के लिए, वरना ये जो क्लोज्ड है ये वाली, मतलब मैं अल्फा 1 और अल्फा 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यानी इसको कंपोजिशन कर लेता हूं। अल्फा 1 है हमारे पास 1, 2, अल्फा 1 है 1, 2, 3 और 1, 3 एंड 2, और जो अल्फा 2 है 1, 2, 3 और 2, 1 एंड 3। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, क्या बनता है, 1 से 1 और फिर 1 से 2 1, 2, 3 1 से 1 और 1 से फिर 2 कितना आ गया, 1 से 2 बन गया, फिर 2 से 3 और 3 से 3 तो कितना आ गया, 2 से 3 आ गया, 3 से 2 और 2 से 1। तो ये देखिए, ये कौन सी परमोटेशन है हमारे पास, 2, 3, 1 ये अल्फा 3 परमोटेशन है, जो कि किसको बिलोंग कर रही है, S3 को। S3 अब कैसा सेट था, S3 यहां पे लिखना भूल गए, S3 हमारे पास है I, उसके बाद अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 और अल्फा 5, ये हमारे पास सेट है, जो S3 का सेट है। तो ये हमारे पास ग्रुप बनाएगा। अच्छा, ये एसोसिएटिव हो गया, क्लोज हो गया, और आइडेंटिटी एलिमेंट तो है ही यहां पे, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, किसमें है वो, S3 में, I जो है
वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो इसके बाद एक रह गया इसके लास्ट प्रॉपर्टी जो कि है क्लोज प्रॉपर्टी। अब क्लोज प्रॉपर्टी क्या है, सॉरी इनवर्स, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो ये तमाम के तमाम कौन से फंक्शन है, ये अल्फा वन भी एक फंक्शन है जो कि वन वन है और वन टू है, अल्फा टू भी एक फंक्शन है जो कि वन वन है और वन टू है, अल्फा फाइव, अल्फा फोर, अल्फा टू, अल्फा वन, सारे ये कौन से फंक्शन है, बायजेक्टिव फंक्शन है, यानी वन वन और वन टू। और हर बायजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हर बायजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब इनवर्स होगा इसमें हम कैसे इनवर्स फाइंड करेंगे, परमोटेशन का इनवर्स। मैं एस अल्फा थ्री लिखता हूं, अल्फा थ्री किसके इक्वल है, वन टू थ्री, और है टू थ्री और वन। अब अल्फा थ्री का इनवर्स क्या करेंगे हम, जस्ट ये वाली जो वैल्यूज हैं इनको ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यूज को हम नीचे लिख देंगे, टू थ्री वन ये और वन टू एंड थ्री। तो क्या बना फिर ये, इसको अरेंज कर लें आप, ये पहले नंबर पे लिख लेते हैं वन थ्री, ये दूसरे नंबर पे ये लिख लेते हैं टू वन, और तीसरे नंबर पे ये लिख लेते हैं थ्री और टू। अब ये अल्फा थ्री इनवर्स किसके इक्वल आया, अल्फा थ्री इनवर्स, अब देख लेते हैं यहां से इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट होगा थ्री वन टू, इनमें से थ्री वन टू अल्फा, ये इनवर्स इसी में ही है, कौन सा है, अल्फा फाइव, ये इसके अंदर इनवर्स है। तो लिहाजा हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप है।